हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, चाहे किसी बच्चे को इश्यूज हैं, चाहे किसी बच्चे को इश्यूज नहीं है, आज के टाइम पे हर पेरेंट बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। इधर वो पूरा टाइम टीवी देखना हो, खाना खाना है तो फोन लेकर ही खाना है, स्कूल से बच्चे आए हैं तो उनको पता नहीं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, शूज रखने की जगह क्या है, बैग अपना कैसे पैक करना है। सो दीज आर ऑल्सो द बिहेवियरल इश्यूज। इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज लेके आई हूँ। सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पहले भी मैं अपनी वीडियोज में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात कर चुकी हूँ, बट आज हम इनको एज अ स्ट्रेटजी कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी। जब भी हम अपना सेशन या क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी जो चीजें हैं या टॉयज हैं या कोई बबल्स हैं, बुक्स हैं, कौन से टॉयज, बुक्स, बबल्स एज अ रीइंफोर्समेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एक तो आपने ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो रीइंफोर्समेंट की डिलीवरी है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी जो रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हो, रिवॉर्ड हो रहे हो, उसमें बहुत कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और अ क्लास आपको बिल्कुल मतलब प्लान अप होना चाहिए ये चीज कि कितने टारगेट के बाद, कितने टारगेट्स लेने के बाद आपको रिवॉर्ड डिलीवर करना है। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। यहाँ पे हम पनिशमेंट कुछ भी फिजिकल होना नहीं, या कुछ भी आप वर्बली गलत बोल रहे हो अपने बच्चे को जिससे वो इमोशनली लो फील करता है बच्चा, इसको हम पनिशमेंट नहीं बोलते हैं। हम जो अपनी थेरेपीज में पनिशमेंट यूज करते हैं वो कुछ भी एवर्जन आप लोगे, इट कैन बी एनी फूड आइटम। ठीक है, जैसे हम अपने पास रखते हैं जैसे एलोवेरा हो गया, या चाय पत्ती हो गई, या मिर्ची के बिल्कुल बारीक पीस, मतलब बिल्कुल ही बहुत छोटा पीस हम यूज करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने कुछ भी मिसबिहेवियर किया हम उसको कुछ ना कुछ एडिबल जो है वो हम डिलीवर कर देंगे, और मेक श्योर कि किसी भी इस आइटम से बच्चे को कोई एलर्जी ना हो बिफोर कि आप इनको एज अ पनिशमेंट ये चीजें रोल प्ले करें। और ऐसे ही पनिशमेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी रूम में अपने बच्चे का, घर पे अगर आप सेशन ले रहे हो, क्लास ले रहे हो, अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो, एक बार ही बच्चे ने मिसबिहेव किया, आपने उसको पनिशमेंट दी, बट नेक्स्ट टाइम जब उसने मिसबिहेव किया तो बीच में से आपकी फोन कॉल आ गई और आप कॉल अटेंड करने चले गए, तो इस तरीके से कोई भी टारगेट बिहेवियर आपका नहीं जाएगा, इवन इसकी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो जब भी आपने कोई भी टारगेट बिहेवियर लेना है जिसको आपको चेंज करना है, तो आपको उस टारगेट बिहेवियर को लेके बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। मे बी 3-4 डेज आपको बहुत ही रेगुलरली इस पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही टारगेट बिहेवियर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी एक सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ये हम रिवॉर्ड इसमें यूज करते हैं। दिस इज चार्ट फॉर टोकन इकोनॉमी। ये बहुत बेसिक सा हमने बनाया है जो कि 2 या 2.5 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, एक साइड हम टोकन्स बनाएंगे और दूसरी साइड सारे रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए हाई वैल्यू रिवॉर्ड क्या है और लीस्ट वैल्यू रिवॉर्ड क्या है। हाई वैल्यू इसलिए हम नीचे बनाते हैं ताकि इसके लिए बच्चे को 5 टोकन्स अर्न करने, यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे हमने बनाया है फर्स्ट, अगर एक टोकन बच्चे ने मतलब लिया है अपनी मदर से, अर्न किया है, तो उसके लिए हमने उसको टॉफी दी है। 2 टोकन्स पे हमने चिप्स दिए हैं, इट कैन बी हाफ ऑफ अ पैकेट और आप बाउल में डाल के भी दे सकते हो। अगर आपने 3 टोकन्स लिए हैं तो आइसक्रीम मिलेगी बच्चे को। अगर जो स्टूडेंट है, चाइल्ड है, अगर वो 4 टोकन्स लेता है तो उसको मम्मा अलाउ करेगी कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। इफ द चाइल्ड विल गेट 5 टोकन्स देन ही विल गो टू पार्क। आपको इस तरीके से डील करना है। टोकन इकोनॉमी का एक और भी फायदा है कि इसमें हम ब्राइबिंग नहीं करेंगे। आपको एक बार ये चार्ट समझाना है, फिर इसको कहीं पे भी वॉल पे डिस्प्ले कर देना है आपको, ताकि आपको यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हम ब्राइबिंग करते हैं ना कि बेटा अगर आपने ये वाला टारगेट पूरा कर दिया तो जल्दी जल्दी करो, अगर आपको चिप्स का पैकेट खाना है तो ये तो हमने ब्राइबरी कर दी, पहले आप चिप्स का पैकेट दे रहे हो, अभी तो काम हुआ भी नहीं है हमारा। तो इस तरीके से एक तो बच्चा बहुत ट्रांजेक्शंस सीखता है, उसके इंडिपेंडेंट स्किल्स ग्रो होते हैं। ठीक है, और कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका जो लेवल है वो काफी मतलब
बिल्कुल ही जिनका आईक्यू कम है, तो उनको नहीं पता कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसके लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो ये जब बच्चे टोकन्स अर्न करते हैं तो उनको इन चीज़ों की वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, ठीक है। ये टोकन इकोनॉमी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट ये उन बच्चों के साथ अप्लाई होगी जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, अदरवाइज टोकन इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी। सो दीज आर दी टोकन्स, ये आपको मार्केट में से मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब यू कैन ईजली गेट दिस, ठीक है। आपको ऐसे टोकन्स, कलरफुल टोकन्स यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। और एक और है बात कि टोकन इकोनॉमी में, मतलब वैसे इसका नाम टोकन इकोनॉमी है तो आप टोकन्स ही यूज करते हैं हम, बट अदरवाइज अगर बच्चे को टोकन्स नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसकी जगह पे कुछ और सिंबल ले सकते हो, जैसे स्टार्स ले सकते हो या स्माइलीज ले सकते हो। तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज दिस टोकन इकोनॉमी। मतलब हर स्ट्रेटेजी के लिए आपको कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक बच्चा टोकन ले आया, नेक्स्ट टाइम यू आर इन द किचन और बच्चा कह रहा है कि मुझे अब टोकन्स अपने एक्सचेंज करने हैं, और टोकन इकोनॉमी में जो बच्चा है वो अपने टोकन्स कभी भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और जब भी हम टोकन इकोनॉमी यूज करेंगे तो आपका टारगेट बिहेवियर हमेशा ही क्लियर होगा कि आपने टोकन्स कब देने हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा स्कूल से आता है, बहुत मिस बिहेवियर करता है कि आते ही अपना उसने पॉकेट में से हैंकी निकाला और ऐसे उड़ाया, फिर बैग भी पता नहीं उसने कहाँ गिराया, कपड़े उतारते हैं, बेल्ट उतारते हैं, कहीं पे भी बच्चे फेंकते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी एज अ टारगेट जो बिहेवियर है वो ले सकते हैं। मतलब सबसे पहले टोकन इकोनॉमी में आपको जो कम टेंडेंसी वाले, कम फ्रिक्वेंसी, कम इंटेंसिटी वाले जो बिहेवियर्स हैं आपको वो उठाने हैं। एक टाइम पे सिर्फ आप एक ही टारगेट बिहेवियर उठाओ। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही टाइम पे आप 12-13 बिहेवियर्स पे काम कर सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे बिहेवियर्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो पहले छोटे छोटे टारगेट्स पे वर्क करो ताकि बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करे अपने आप को लेके, ओके। अवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज टाइम आउट। टाइम आउट ये भी बहुत ही अच्छी बिहेवियर मोडिफिकेशन स्ट्रेटेजी है, पर इसको कैसे अप्लाई करना है दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो वो आपको रेगुलर यूज करनी है। ये नहीं हो कि आज ठीक है, आज मेरे बच्चे को, ये बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है हमारे घरों में कि आज बच्चे का बर्थडे है तो आज हम इस पर कुछ भी, हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा रोए आज, तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड हो, अपनी स्ट्रेटेजी आप डेली बेसिस पे यूज करोगे, चाहे फिर वो कोई फेस्टिवल बीच में आ गया या कोई ओकेजन बीच में आ गया, ठीक है। टाइम आउट में क्या है कि आप बच्चे को जहां पे उसका मिस बिहेवियर आया, कोई भी इंजॉयबल इन्वायरमेंट है, बच्चा मूवी देख रहा है, मतलब कुछ भी, उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, ठीक है, और बच्चा कुछ भी बीच में से मिस बिहेवियर करता है, तो आपने उस इन्वायरमेंट में से बच्चे को सेपरेट कर देना है, ठीक है। मतलब आप साथ वाले रूम में उसको छोड़ दो, या दिस इज ऑल्सो टाइम आउट कि बच्चे का फेस ऐसे किया क्योंकि उस टाइम पे वो टीवी नहीं देख सकता, और मतलब आपने जो फेस है उसका वॉल की तरफ कर दिया, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड, सो दिस इज टाइम आउट। बट अगेन अगर आपको कोई भी बिहेवियर चेंज करना है तो इन स्ट्रेटेजीज को आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर यूज करना पड़ेगा, ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज प्लान्ड इग्नोरेंस। इसको प्लान्ड इग्नोरेंस इसलिए बोलते हैं, हमें पता है हमारे बच्चों के बिहेवियर्स डेली बेसिस पे क्या क्या आते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ आते हैं। सो ऑलरेडी एक मदर को, एक टीचर को पता होता है कि ऐसा क्या है सिचुएशन जो बच्चे को ट्रिगर करता है बिहेव, मिसबिहेव करने के लिए। सो इसलिए इसका नाम प्लान्ड इग्नोरेंस है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे कहाँ पे इग्नोर करना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के बहुत बिहेवियर्स होते हैं, हम बोलते हैं कि पहले आपको किसी ने नहीं गाइड किया इग्नोरेंस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, इसलिए मतलब उनको सब अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ जी इग्नोरेंस के ये स्टेजेस हैं, ये सब कुछ हैं। पर जो एक न्यू मदर है या जो पेरेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है इन सब स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो उनके लिए ये है कि जब भी आप बच्चे को इग्नोर करते हो तो इग्नोरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे को आई कॉन्टेक्ट नहीं दोगे। अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम तो शुरू से इग्नोरेंस पे हमने डाला हुआ है, बट इग्नोरेंस हमारे बच्चे पे वर्क ही नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, इग्नोरेंस डेफिनेटली आपके बच्चों पे वर्क करती है, बट आप लोग इग्नोरेंस को कैसे अप्लाई करते हो दैट इज दैट्स मैटर करती है ये चीज। अब इग्नोरेंस में क्या है, एक बच्चे ने मिसबिहेव किया एक रूम में, ठीक है,
मदर ने आई कॉन्टेक्ट नहीं दिया, वो उस रूम में से चली गई, बट वो वर्बली कुछ कुछ बोलती जा रही है, मतलब कि जैसे अब मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी भी अब मेरे सामने मत आना, मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, मतलब स्टफ लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मदर ने जो है विजुअल अटेंशन तो नहीं दी, मतलब नो आई कॉन्टेक्ट, बट वर्बल अटेंशन दी. ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अटेंशन जो प्लान इग्नोरेंस कवर करता है, दैट इज विजुअल अटेंशन, फिजिकल अटेंशन एंड वर्बल अटेंशन. जब भी बच्चा मिसबिहेवियर करता है तो आपको वर्बल अटेंशन बिल्कुल नहीं देनी है, विजुअल अटेंशन आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, और फिजिकल अटेंशन भी नहीं देनी है. आपको चुपचाप से बस नीचे देखते हुए उस रूम में से निकल जाना है जहाँ पे भी बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, और मेक श्योर कि बच्चे के पास आसपास कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो, जैसे सीजर भी ना हो, कुछ भी ऐसा जिससे बच्चा अपने आप को हार्म करे. ठीक है, अदरवाइज प्लान इग्नोरेंस बहुत अच्छे से वर्क करती है बच्चों के ऊपर. अब इन तीनों में पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, टाइम आउट एंड प्लान इग्नोरेंस, इन तीनों में एक कॉमन चीज क्या है कि जब भी हम ये वाली स्ट्रेटेजीज बच्चों के ऊपर यूज करते हैं तो एक्सटिंक्शन बर्स्ट होता है. एक्सटिंक्शन बर्स्ट क्या होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन. इमोशनल ब्रेकडाउन इन वो वाली सेंस में नहीं कि बच्चा बहुत सारी इमोशनल टर्मोइल चल जाता है बच्चे के ब्रेन में या हार्ट में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. एक्सटिंक्शन बर्स्ट क्या है कि पहले क्या था, अब हमारे पास आने से पहले बच्चा जो था हेड ऑफ द फैमिली था, एक्चुअली उसके सारे बिहेवियर्स माने जा रहे थे. वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो पेरेंट्स बहुत डर के, चलो ठीक है कि करने दो इसको जो करता है, बस ये रोना नहीं चाहिए, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं मोस्टली. ठीक है, अब यहाँ पे वो आया, हम मतलब एज अ ट्रेनर मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि आपको इग्नोरेंस पे डालना है बच्चे को, टाइम आउट करना है, और पनिशमेंट भी हम यूज करेंगे. तो उसमें क्या है, बच्चे को ऐसा फील होता है कि अब मेरी पावर सारी जा रही है मेरे हैंड्स में से. तो उसमें क्या है कि बिहेवियर्स एकदम से बढ़ेंगे, क्योंकि तो एकदम से बच्चा और जो है फ्रीक्वेंसी है अपनी जो पिच की वो बढ़ाएगा. ठीक है, अब और लाउड हो जाएगा. तो पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि नहीं छोड़ दो इन स्ट्रेटेजीज को, मेरे को नहीं लगता कि मेरे बच्चे के ऊपर वर्क कर रही है, इसलिए तो और ही बिहेवियर्स बढ़ा दिए. ठीक है, पर दिस इज नॉट द केस. कभी भी अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, ठीक है, और टोकन इकोनॉमी, इन दो स्ट्रेटेजीज के अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो बच्चे का जो है बिहेवियर एकदम से बढ़ेगा, एंड धीरे स्लोली स्लोली वो जो है बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा बच्चे का बिहेवियर. ओके, द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज रीडायरेक्ट. रीडायरेक्ट मीन्स कि जो आपको चाहिए आप प्लीज उसी की तरफ जाओ, पेरेंट्स. ठीक है, अब हमारी पेरेंट्स की जो है बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि जो हमें नहीं चाहिए ना हम बार बार उसी चीज के बारे में बात करते हैं. जैसे अगर मेरा बच्चा मिसबिहेवियर करता है, जैसे स्कूल से आता है उसको पता ही नहीं है शूज कहाँ पे रखने हैं, ठीक है, काम करते करते वो इतने प्रेशर से लिखता है कि उसका जो है सिक्का है जो आगे से जो उसका निब है वो हमेशा ही वो तो ब्रेक कर देता है, वो अपनी नोटबुक के पेजेस क्लियर कर देता है. ये हम ना मतलब बार बार ये हम बात रिपीट कर देते हैं. जैसे बच्चा बैठा, अगर आज मतलब आज न्यू डे है, बच्चा आया, बच्चे ने अपनी कॉपी उठाई, अगर आज आपका ये जो है निब टूटा ना अगर पेंसिल का, फिर आप देखना. हम मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस ही यूज करते हैं, आज ही पेपर टियर नहीं होने चाहिए. ये हम क्या कर रहे हैं, हम तो रीएनफोर्स कर रहे हैं जो बच्चे का बिहेवियर है, हम तो खुद ही उसको पढ़ा रहे हैं. आप उसको रिमाइंड करवा रहे हो ना उसका नेगेटिव बिहेवियर, आपने ऐसा नहीं करना है, आपको रीडायरेक्ट करना है. इवन हम पेरेंट्स की ये भी टेंडेंसी है कि हम अपने नेबर्स को भी बताएंगे, हम फोन कॉल्स करके उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताएंगे कि ये आप हमारा बच्चा ये काम करता है. मतलब वो होल डे जो हमें नहीं चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं, रेदर देन जो हमें चाहिए आप वो स्टेटमेंट्स प्लीज यूज कीजिए घर पे, और थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जैसे बेटी है रीत, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम उसको ब्लॉक्स देते हैं तो वो थ्रो करती है वो ब्लॉक्स. ठीक है, तो अब मैं उसको रूम में जाके ये नहीं बोलूंगी कि बेटा अगर अब आज ब्लॉक्स थ्रो हुए ना तो फिर आप देखना, अगर उसको इतना ही डर होता तो वो ब्लॉक शायद थ्रो ही ना करती, समझ रहे हो आप. ओके, अब ब्लॉक्स थ्रो हम ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट से अच्छा है कि आप बोलेंगे कि बेटा आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने ब्लॉक्स थ्रो नहीं किए, मतलब आप पहले ही उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे ताकि बच्चा खुद ही मतलब अप्रिशिएटेड फील करे, मोटिवेटेड फील करे कि नहीं आज मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना है. जैसे स्कूल से बच्चा आता है, रूम में एंटर करता है, आपने पहले से ही उसको रीइंफोर्स करना स्टार्ट कर देना कि बेटा आई नो कि आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप अपना बैग अपनी जगह पे रख रहे हो,
मतलब थोड़ा स्टार्ट करो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने का रेदर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव बिहेवियर्स ओनली. ओके, सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज. अगर इसको आप अच्छे तरीके से यूज करोगे डेफिनेटली ये वर्क करेंगी. मतलब इसकी डिस्कशन इज वेरी इजी, बट इनको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट प्रैक्टिस करते करते मतलब आपको ये जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत अच्छे से यूज करनी आ जाएंगी. और वन मोर थिंग, आप लोगों को इनको अप्लाई करने से पहले मतलब ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. जैसे टोकन इकोनॉमी हम बहुत ही सीवियर बच्चों के हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये माइल्ड बच्चों के ऊपर यूज कर सकते हैं जिनको माइल्ड ऑटिज्म हो या कोई भी माइल्ड इशू हो. ठीक है, ये हर चीज जो है, हर स्ट्रेटजी है, इसके साथ कंसिस्टेंट रहिए. जो भी आप रिइंफोर्समेंट्स ले रहे हो वो बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए, तभी जो है ये स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी. होपफुली ये सारी स्ट्रेटजीज आपको हेल्पफुल होंगी. थैंक यू वेरी मच.